जी एक सवाल है कि तावीज गंडे वगैरह इनके बारे में आपकी क्या राय है, इसलिए कि बाज स्पिरिचुअल लीडर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि फला मौके पे अगर आप फला तावीज ऐसे और ऐसे लेंगे तो फला फला मामलात हो जाएंगे। इसमें एक तो उसूल की बात है और फिर एक अमली मशवरा है। उसूल की बात तो वही है जो रसूलुल्लाह सल्लम ने हजरत सफिया के एक सवाल के जवाब में फरमाई थी। उन्होंने पूछा कि ये यहूद के यहाँ इस तरह के कुछ दम कुछ इस तरह के तावीज गंडे होते हैं, तो आपने फरमाया कि ये भी एक उलूम में से इल्म है, ये देख लो कि उसमें कोई शिर्क की बात नहीं होनी चाहिए। तो गोया इस उसूल को आपने बयान फरमा दिया कि हम मुसलमानों को हर चीज़ के बारे में दो बातें ज़रूर देखनी है, एक ये कि उसमें कोई शिर्क की चीज़ ना हो, क्योंकि इस्लाम की बुनियादी तौहीद के तसव्वुर पर है, एक ही खुदा है, एक ही खालिक है, एक ही माबूद है, वही शफा देता है, वही रहमत फरमाता है, उसी से मांगना है, उसी से मदद चाहनी है, तो शिर्क की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे ये कि कोई गैर अखलाकी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी जिसके ऊपर मॉरली आप एतराज़ करें। अखलाक क्या चीज़ है, उसका शऊर हर इंसान को खुदा ने दिया हुआ है, तो उसकी रोशनी में देख लेना चाहिए। ये दो चीज़ें देख लें, ये उसूल की बात है। उसके बाद आप किसी दवा से फ़ायदा उठाएं, आप किसी और फन से इल्म से फ़ायदा उठाएं, मज़हब को उस पर एतराज़ नहीं है। अमली मशवरा ये है कि इस वक्त इस तरह के काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिल्कुल अताई और क्वैक्स हैं, वो कोई इल्म फन आम तौर पर नहीं जानते होते, लोगों को धोखा देते हैं, फरेब देते हैं और मालूम नहीं किन किन गलत रास्तों पर ले जाते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत मोहतात रहिए, और ज़्यादा अच्छा ये है कि साइंसी तरीका इख्तियार कीजिए, यानी ये कि अगर कोई मसला दरपेश है तो जो अल्लाह ताला ने उसके लिए तदबीरें इल्म अकल की रोशनी में वाजे कर दी हैं, वो तदबीरें इख्तियार की जाएं और अल्लाह ताला से दुआ की जाए। मज़हब आपको सिर्फ यही बात कहता है, यानी जिस कानून पर अल्लाह ने दुनिया को बनाया है उसमें इल्म से इस्तफादा करें, लेकिन उसके बाद अगर एक तस्मा भी टूट गया है और लेने जा रहे हैं तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के अल्फाज में उसके लिए खुदा से दुआ ज़रूर करें, इसलिए कि दुआ वो चीज़ है कि जो हर चीज़ को तब्दील कर देती है।